हर जगह चढ़ा हुआ है वर्ल्ड कप का बुखार, तो चलिए हम भी कुछ वर्ल्ड कप स्पेशल थाली बनाते हैं लंच के लिए। बहुत सारी चीज़ें हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें मैच भी देखना है, तो चलिए फटाफट देखते हैं कि मैंने इस थाली में क्या क्या बनाया है। जी हाँ, मैं हूँ मीनाक्षी और मेरे चैनल वेज व्यंजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ छोले। तो काबुली चने को मैंने रात भर के लिए भिगो कर रख दिया था और 2 इंच ऊपर मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसमें मैं मिला रही हूँ 1 तेज़पत्ता, 1 सिनेमन स्टिक और 2 छोटी इलायची और उसके साथ मैंने 1 चम्मच नमक भी डाला है इसमें। और इसके बाद बस इसके लिड को आपको बंद करना है और कम से कम 15 से 20 मिनट आपको इसको पकाना है 3-4 सीटी तक। तो 1 सीटी आप जो है वो हाई फ्लेम पे करिए और उसके बाद फ्लेम को आप लो कर दीजिए और कम से कम 20 मिनट तक इसे पकने दीजिए। और दूसरी तरफ मैंने कुछ आलू जो है वो उबलने के लिए रख दिए हैं ताकि मेरा काम जो है फटाफट आसानी से हो जाए। तो जब तक हमारे चने उबल रहे हैं ना, हम फटाफट इसकी ग्रेवी के लिए जो है तड़का तैयार कर लेते हैं। तो मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट बना लिया है थोड़ा सा और 1 प्याज है बड़ी, उसे मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया और 2 बड़े टमाटर को मैंने प्योरे बना लिया है। तो इसका हम तड़का बनाकर ग्रेवी बनाएंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो इसके तड़के बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब डाला है रिफाइंड ऑयल, आप चाहें तो मस्टर्ड या घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 चम्मच ज़ीरा डाला है मैंने, 1 चम्मच अजवाइन। तो जी हाँ, अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है इसमें, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह जब तक हमारे चने पक रहे हैं, अगर हम तड़का तैयार कर लेना तो हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। तो जब हमारा अजवाइन और ये ज़ीरा है ना जो पक जाए थोड़ा सा, तो हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले प्याज, क्योंकि प्याज को हमें थोड़ा सा भुनना पड़ेगा। तो इसे अच्छे से पहले ट्रांसपेरेंट हो जाए ना, उतना बस भुनना है, हमें ब्राउन नहीं करना है प्याज को। और ये हमारी प्याज देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है अपना जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जिसे मैंने 3-4 लहसुन की कलियां और 1 इंच के करीब जो है अदरक के टुकड़े के साथ बनाया है। तो इसे भी मैंने पीस लिया था। तो एकदम फ्रेश जिंजर गार्लिक यूज़ करने से ना उसका फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आता है। तो इसे करीब 1 मिनट तक हम भूनने देंगे थोड़ा सा, जब तक इसका मॉइस्चर निकल जाए। और इस बीच हम तैयार करेंगे इसका मसाला। तो मैंने इसमें ऐड किया है 2 चम्मच धनिया पाउडर और उसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच ही ज़ीरा पाउडर मैं डाल रही हूँ इसमें और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने डाला है मिर्च, क्योंकि हम ऊपर से भी मिर्च का तड़का देने वाले हैं इसमें। और थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच के करीब डाला इसमें चना मसाला और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह मिक्स करके ना अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा जो मसाला है ना वो तैयार होता है। तो थोड़ा सा पानी डाल के हमें थोड़ा सा इसका एक पेस्ट जैसा बना लेना है ताकि मसाला जो है वो तेल में जले ना। तो ये देखिए बिल्कुल तेल छोड़ दिया है, यानी मॉइस्चर पूरा ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये मसाला जो हमने अभी रेडी किया था और इस मसाले को भी अच्छी तरह भून लेंगे। तो इस तरह टमाटर डालने से पहले अगर आप मसाला डालें ना तो मसाला बहुत अच्छी तरह भुन जाता है तेल के साथ और उसके बहुत सोंधी सोंधी सी जो खुशबू आती है ना वो छोले को बहुत ही मज़ेदार बना देती है। तो इसे थोड़ा सा बस भुनना है हमें 1 मिनट के लिए। तो ये देखिए ये मसाला अच्छे से बिल्कुल भुन चुका है। तो अब हम इसमें अपनी जो टमाटर की हमने प्योरे तैयार की थी ना वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसके साथ भी हम अच्छे से इसे मिक्स करके और इसे अच्छी तरह पकने देंगे इस मसाले को। तो आपको अगर खाना अच्छा बनाना है, टेस्टी बनाना है, तो ये मंत्र है, बस आप मसाले को ना बहुत अच्छी तरह भुनिए। तो आपका मसाला जितना भुना होगा ना आपका खाना बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी बनेगा। तो हम थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करें क्योंकि थोड़ा नमक हमने पहले छोले में भी डाला था, तो बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना। तो आप जब एंड में छोले बन जाते हैं ना तो एक बार टेस्ट करके और नमक एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब तक मसाला हमारा भुन रहा है, तैयार हो रहा है, तो हम टाइम वेस्ट क्यों करें। फटाफट हमने आलू छील लिए और इसे भी छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और यहाँ हमारे छोले भी उबल कर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह गल चुके हैं। तो बस हमारे छोले भी उबल गए हैं और हमारी मसालों की क्या कंडीशन है चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे मसाले भी अच्छी तरह बिल्कुल भुन चुके हैं। जब बिल्कुल तेल रिलीज़ कर देना मसाले, इसका मतलब है कि आपके मसाले पूरी तरह भुन गए हैं
और बिल्कुल तैयार हैं। आप इसमें अब अपना जो छोले आपने तैयार किए थे वो ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको जो खड़ी इलायची वगैरह हमने डाली है ना, वो नहीं चाहिए खड़े मसाले, तो आप इसमें से अलग कर दीजिए, क्योंकि कई बार वो मुँह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। इसमें एक उबाल आ जाए इसका मतलब है कि जो हमारे चने हैं और मसाला है जो अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। तो इसमें डालेंगे हम एक चम्मच के करीब कसूरी मेथी और डेढ़ चम्मच गरम मसाला, क्योंकि हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है छोले की, तो मैंने डेढ़ चम्मच गरम मसाला डाला है। और गरम मसाला हमेशा बाद में यूज़ करने से उसकी जो महक है ना, वो डिश में बहुत अच्छे से उभर कर आती है। तो जब तक हमारे छोले जो हैं और अच्छी तरह पक रहे हैं, हम क्या करेंगे, इसका तड़का रेडी कर लेंगे। तो तड़का रेडी करने के लिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ घी, आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 2 से 3 चम्मच घी लिया है, क्योंकि घी का जो फ्लेवर होता है ना, ऊपर से तड़का मारो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। तो कभी भी आपने बाहर भी, जब भी आप बाज़ार में छोले खाते हैं ना, तो ऊपर से घी का तड़का उसमें देते हैं, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा उसका जो टेस्ट है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें तड़के में हम हींग डालेंगे, तो इसलिए हमने पहले हींग नहीं डाला था, क्योंकि ऊपर से हींग का तड़का देंगे ना, तो हींग की जो खुशबू है ना, बहुत ही अच्छी तरह छोले में आएगी। और हींग का तड़का देने के बाद, हींग ऐड करने के बाद, हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन। तो जी हाँ, अजवाइन हम फिर से यूज़ कर रहे हैं, ताकि बिल्कुल फ्रेश, जब घी में अजवाइन का तड़का मारो ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद ये मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च जो है वो स्लिट करके रखी है, और अदरक के कुछ पीसेस हैं जिसे मैंने लंबा लंबा काट लिया है, जूलियन कहते हैं जिसे आप, और उससे भी हम बिल्कुल तड़के में डाल देंगे। तो ऊपर से हम इसका तड़का मारेंगे, और साथ में मैंने ये 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च ऐड किए, ये मत समझिएगा आपके, मैंने हॉट रेड चिली पाउडर डाला है। तो इससे क्या होगा, इसका बहुत ही अच्छा सा एक कलर आएगा, जो देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए छोलों में मारिए ऊपर से तड़का, और ये छोले हमारे बिल्कुल तैयार हैं सर्व होने के लिए गर्मा गर्म पूरियों के साथ। तो फिर हमने जो वो आलू छील और काट के रखे थे बॉइल्ड वाले, उनका क्या, जी हाँ, हम उनका बनाने वाले हैं जीरा आलू। तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है, थोड़ा सा खड़ा धनिया और 2 खड़ी लाल मिर्च ली है, जिसे हम 1 से 1.5 चम्मच तेल में डालेंगे। और कढ़ाई हमने अच्छे से गर्म कर ली है, तो ये जब जीरा अच्छे से तड़कने लगे ना, तो हम ऐड कर देंगे अपने उबले हुए कटे हुए आलू। और आलू को हम ऐसे ही थोड़ी देर फ्राई करेंगे, ताकि वो ऊपर से थोड़ा सा आउटर लेयर जो उसका है ना, वो क्रिस्पी हो जाए। और बहुत ही मज़ेदार लगता है जब हम छोले के साथ इसे साइड डिश के जैसे रखते हैं ना, तो बिल्कुल पूरी और छोले का मज़ा दुगुना हो जाता है। तो आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई कीजिएगा, जब भी आप छोले बनाए ना, थोड़ा सा आलू, जीरा आलू बना के इस तरह खाइए, देखिए क्या मज़ा आएगा खाने का। और बस 1-2 मिनट बाद, जब ये आलू थोड़े से फ्राई हो जाए ना, तो हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड कीजिए, जितना नमक आपको चाहिए। और थोड़ी सी लाल मिर्च हमने ऐड की है चटपटा बनाने के लिए इसे, और ये है धनिया पाउडर, तो आलू में धनिया पाउडर तो बहुत ही अच्छा लगता है। और थोड़ी सी हल्दी। तो हम इसे बहुत सारे ज़्यादा मसालेदार नहीं बना रहे, हम इसे बस ऐसा बना रहे ना कि आलू का पूरा फ्लेवर आए और बिल्कुल चटपटापन भी साथ में हो। तो अगर आप चाहें तो 1 चम्मच आमचूर, अगर आपको थोड़ा सा खटास चाहिए ना, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ऐसे ही रखा हुआ है। तो लीजिए, हमारे आलू भी जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं, और ऊपर से बस धनिया से इसे गार्निश कर देंगे हम। और ये हो गया हमारा चटपटा आलू तैयार, और हमारे छोले भी बिल्कुल रेडी हैं, और छोलों में भी आप धनिया ज़रूर ऊपर से डाल दीजिएगा। तो इसके साथ मैंने बनाई है गेहूं के आटे की गर्मा गर्म फूली फूली पूरियां। आप चाहें तो भटूरे भी बना सकते हैं, लेकिन पूरियां भी बिल्कुल मज़ेदार लगेंगी। तो बस इसे अब सर्व कर लेते हैं, और लीजिए हमारी थाली जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। साथ में मैंने इसके रखा है हरी मिर्च का अचार, जिसे मैंने घर में ही बनाया है। तो अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझसे पूछिए कि ये रेसिपी मैंने कैसे बनाई है, तो मैं आपके लिए इसका वीडियो भी ज़रूर लेकर आऊँगी। तो उम्मीद है कि आपको ये थाली पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो बस फटाफट इसे रेडी कीजिए और मैच का मज़ा लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। और हाँ, सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और वीडियो को थम्स अप तो ज़रूर दे दीजिएगा।